वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप केवल तीन चीजों से अपने बालों का झड़ना किस तरीके से बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस नुस्खे को फॉलो करेंगे तो आपके बाल चाहे कितने भी डैमेज हों, कितने भी खराब हों और आपके बाल में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हों, वो सभी इस नुस्खे की मदद से दूर हो जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी अपने बालों को लंबा घना मोटा मजबूत करना चाहते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को 4 गुना तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पास ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सके। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए अपने बालों के हिसाब से पानी। और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलौंजी। हमें यहाँ पे 1 चम्मच कलौंजी इसके अंदर ऐड करनी है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे मेथी दाना। हमें यहाँ पे मेथी दाना भी 1 चम्मच ही इसके अंदर ऐड करना है। और अब आपको इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है। आपको इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। अच्छे से आप बॉईल कीजिए इसको मीडियम फ्लेम पे। तो मैं इसे बॉईल होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल होने लगा है। ये देखिए, इसके पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल रेडी। और अब आपको इसे फ्रिज में 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आप इसको एक बाउल में स्टोर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। और अब हम एक बाउल लेंगे और एक छन्नी, और अब हम इसको एक बाउल में स्टोर कर लेंगे छान के। फ्रेंड्स, मेथी दाना और कलौंजी दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ये आपके बालों को 4 गुना तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही आपके बालों में से डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसी समस्याओं को दूर करते हैं। और ये आपके बालों में से रूसी की समस्याओं को भी दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये आपके बालों को शाइनिंग बनाने में मदद करता है और आपके बालों की अंदर से सफाई करता है और आपके बालों को बिल्कुल क्लीन, सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। और अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, आपको बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। हमारा मैजिकल नुस्खा बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है अपने बालों में। फ्रेंड्स, आपको इसे लेना है और अपने बालों की स्केल्प यानी कि जड़ों में आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है और आपको साथ साथ इसकी मसाज भी करते रहना है। कम से कम 5 मिनट तक आपको इसकी मसाज करनी है। मसाज करने से आपके बालों की जड़ों के अंदर तक जाएगा और बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा जिससे आपके बालों की ग्रोथ 4 गुना तेजी से बढ़ेगी। अच्छे से आप अपने बालों में मसाज कीजिए इसकी, और मसाज करने के बाद अपने पूरे बालों में भी अप्लाई कर लीजिए। एंड जब आप अपने पूरे बाल में भी अप्लाई कर लेंगे तब आप इसको अपने बालों में कम से कम 1/2 आवर यानी कि आधे घंटे के लिए लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है आपके बालों के लिए। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है अपने बालों में। फ्रेंड्स, आपको इसे 1 वीक तक तो जरूर यूज करना है। एक ही बार के इस्तेमाल से बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।
और आप उसका सबसे पहले फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।